आपके सिस्टम में या आपके लैपटॉप में हाई मेमोरी यूजेस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे कर सकते हो, और वो भी वन क्लिक में। और इसे फिक्स करने से क्या होता है कि आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो आपका इन्हांस होता है, या गेमिंग के दौरान आपका जो परफॉर्मेंस है वो भी आपका बूस्ट होगा, इन्हांस होगा। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप में आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, विश मेमोरी ऑप्टिमाइजर के नेम से, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यही एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे अपने हाई मेमोरी यूजेस को आप फिक्स कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर पे, और उसे दिखाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा, या मेरे व्हाट्सअप चैनल पे देखने को मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और मेरे व्हाट्सअप चैनल का लिंक, दोनों का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो आप वहाँ से जाकर आप इस सॉफ्टवेयर को सबसे पहले तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड कर लेने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे लाइव मैं आपके यहाँ पे दिखाऊंगा कि आप हाई मेमोरी यूजर्स को आप यहाँ पे फिक्स कैसे करोगे। आपको तो सबसे पहले अपने टास्क बार पे आकर आपको यहाँ पे अपने टास्क मैनेजर को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है, परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा आपको मेमोरी यूजर्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरे सिस्टम में जो मेमोरी है, मेरा जो रैम है वो 6 GB का यहाँ पे रैम लगा हुआ है। अप्रॉक्स आप यहाँ पे देखोगे 5.9 GB का यहाँ पे रैम लगा हुआ है, मेरा रैम यहाँ पे स्टोरेज यहाँ पे शो हो रहा है। और मेमोरी यूजेज यहाँ पे मेरा 63% यहाँ पे मेमोरी यूजेज हो रहा है, लगभग अप्रॉक्स लगभग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे रैम के हाफ से भी ज़्यादा यहाँ पे मेरा रैम यूज हो रहा है, 3.7 मैंने यहाँ पे GB यहाँ पे रैम का यूजेस हो रहा है, मैंने हाईली यहाँ पे यूज हो रहा है मेरा मेमोरी। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी आपको 64-63 अप्रॉक्स आपको यहाँ पे हाई मेमोरी यूजेस आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। और यहाँ पे मेरा करेंटली यहाँ पे 64 यहाँ पे हाई मेमोरी यूजेस यहाँ पे हो रहा है। अब मैं यहाँ पे इस ऑप्टिमाइज वाले बटन पे यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मेरा जो हाई मेमोरी यूजेस है वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, मेरे यहाँ पे वो डाउन हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एज ए ग्राफ के तौर पे यहाँ पे दिखाऊंगा, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं इसे ऑप्टिमाइज किया हूँ, और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो मेमोरी यूजेस है वो यहाँ पे कम हो गया है, अप्रॉक्स यहाँ पे 31% यहाँ पे मेमोरी यूजेस हो गया है। अगेन मैं यहाँ पे ऑप्टिमाइज करता हूँ, तो यहाँ पे और भी यहाँ पे कम हो रहा है, अप्रॉक्स 28% यहाँ पे मेमोरी यूजेस हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा ग्राफ भी यहाँ पे डाउन हो गया है, और यहाँ पे मेरा जो टोटल मेमोरी यूजेस है वो यहाँ पे 1.89 GB यहाँ पे यूज हो रहा है, मैंने 32% डायरेक्टली 64% से यहाँ पे 32% डायरेक्टली यहाँ पे मैंने डाउन हो गया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मेमोरी यूजेस। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ मेमोरी यूजेस यहाँ पे जितना हाई रहेगा आपका क्या होगा, यहाँ पे परफॉर्मेंस उतना ही लो देखने को मिलेगा आपके सिस्टम में या लैपटॉप में, और जितना कम यहाँ पे मेमोरी यूजेस होगा तो यहाँ पे आपको हाई परफॉर्मेंस उतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे इसे टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे इसे फिक्स करते ही रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके रैम पे भी डिपेंड करता है कि आपका सॉफ्टवेयर कैसा वर्क करेगा कैसा नहीं वर्क करेगा, मैंने वो आपके हाई मेमोरी यूजेस पे भी डिपेंड करता है, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो या जो भी गेम वगैरह आप यूज़ करते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे हाई मेमोरी यूजर्स को आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 थैट लगा दीजिएगा, जिससे एक सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।